Praise the name of the Lord, hallelujah. Greetings to all of you in Jesus' matchless name, hallelujah. The Lord is awesome, isn't He wonderful? Hallelujah. My heart is just loaded with gratitude and appreciation for all His kindness, His love, and mercy, and His unfailing compassion. He is faithful, hallelujah. He would never deny us. Hallelujah and his mercy endures forever every morning when we wake up there is fresh raheem hebrew word is raheem raheem from where we get the urdu word raham raheem the mercy and the word for mercy is always plural god is not giving you just handful mercies but a bountiful mercies that await you when you wake up early in the morning and believe me they are brand new <coughs> They are just tailor made for you. You never experienced today's mercy any day before in your life. Hallelujah. Lord, we thank you. आज की शाम हम तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदावंद तेरे जलाली नाम में तेरे हजूर में आते हैं तुझे सजदा करते हैं खुदावंद तेरे नाम की हमद गाते हैं खुदावंद तेरी सिफतें करते हैं तेरे जलाली कामों को याद करते हैं खुदावंद तू तो अजीम है तेरे काम कितने अद्भुत हैं खुदावंद तेरे कलामों का मजमु जमीन की किताबों में दर्ज नहीं किया जा सकता हाल लू या खुदावंद हम शुक्राने भरे दिल तेरे हजूर में लाते हैं आज की शाम खुदावंद हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत की वाम से भर खुदाबंद ऑफ योर लव एंड our soul, Lord God. गॉड हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदा और हम तेरी महिमा गाते हैं यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं आमिन हालेलुया। मैं आपको कुछ ख़ास बातें आज बताने जा रहा हूँ सुनिए सबसे पहले परमेश्वर के क़लाम में से मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन मुक्काशा की किताब रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका दो अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ दो अध्याय के तीन वचन से रेवलेशन टू बिगिनिंग फ्रॉम वर्स नंबर थ्री सुने एंड यू हैव परसिवियड एंड हैव पेशं एंड हैव लेबर्ड फॉर माय नेम हैव नॉट बिकम व्यवरी प्रभु यीशु मसीह एक कलीसिया के लिए खत लिखवा रहा है अपने खादिम के से और खुदा यीशु मसीह अप्रिशिएट करता है इस कलीसिया को क्योंकि इस कलीसिया के अंदर सब्र है और यह कलीसिया यीशु मसीह के नाम के लिए मेहनत करती है <coughs> इस कलीसिया ने अपने नाम के लिए मेहनत नहीं की है बल्कि मसीह के नाम के लिए मेहनत की है एंड जीजस अप्रिशिएट्स ही इज़ स्पीकिंग ऑल गुड थिंग्स अबाउट दिस चर्च एज फार एज दिय पेशेंस इज़ कंसर्न एंड द लेबर ऑफ़ दंसर्न लेकिन आगे पढ़ें चौथे वचन में नेवर द लेस आई हैव दिस थिंग अगेंस्ट यू दैट यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव एक बहुत सीरियस बात यीशु मसीह कहते हैं इस गलीसिया को यीशु मसीह कहते हैं मुझे तुझसे ये शिकवा है मुझे तुझसे ये, ये शिकायत है मेरी ये कंप्लेंट है कि तूने अपनी पहली मोहब्बत खो दी है ये कलीसिया मेहनत बहुत करती है खुदा मसीह के लिए काम बहुत करती है खुदा मसीह के लिए शायद एवेंजलिज्म चर्च प्लांटिंग लीडरशिप सेमिनार्स यूथ मिनिस्ट्रीज 24 फोर आवर्स चेन प्रेयर चेन ब्रेकिंग पता नहीं क्या क्या नाम लोग यूज करते हैं होल नाइट प्रेयर सब कुछ कर रहे हैं ये मिनिस्ट्री में बहुत फैलाव किया इन्होंने एंड यू आर डूइंग गुड लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यीशु मसीह के दिल की है यीशु मसीह कहते हैं यू हैव अबेंडन योर फर्स्ट लव तूने मेरे लिए अपना पहला इश्क खो दिया है आपको मतलब यीशु मसीह के लिए इम्पोर्टेंट क्या है आपके दिल में खुदावंद यीशु मसीह के लिए पहला इश्क याद करें जब वो आपके दिल में आया जब आपको एक रुआ मिला एक दर्शन मिला जब आपने उसकी हजूरी को महसूस किया अपने लेफ़्ट एंड राइट अपने बैक एंड फ्रंट जब आपने महसूस किया आप सोए बिस्तर पे, वो उसका हाथ आपके सर पे आपको थप थप आ रहा था जब आप उठे अर्ली मॉर्निंग तो उसकी हजूरी आपके साथ थी याद करें वो लम्हे, वो दिन वो तजरबे तो जो खुदा रेश मसीह के साथ आपको हुए धीरे 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 आप नामधारी ईसाइयों की संगत में चले गए और कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है आपने वैसा करना शुरू आपको मालूम मैं जब प्रभु में आया मैं मेरे दिल में जुनून आया खुदा वंदेश मसीह के लिए लोग कहते थे मैं पागल हो गया मैं प्रभु के पीछे ऐसे आया कि मेरे इलाके के हिंदू लोग कहते थे ईसाइयों ने उसके ऊपर जादू किया है इसने धर्म बदल लिया इसने बाप बदल लिया तरह तरह की बातें बोलते थे और मैं अपनी नौकरी को छोड़ के खुदामद येशु मसीह के पीछे चला मैं एक स्वीडिश कंपनी में जूनियर इंजीनियर था सब कुछ छोड़ के सब कुछ खत्म कर यशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आना जीरो बन के ताकि जब मैं तुझे ब्लेस करूँ तुझे आशीषित करूं तो ये ना कहे कि मेरे पास तो पहले बहुत सी दौलत थी जैसे कई लोग कहते हैं ना जी ये पास्टर जी तो पहले बड़े अमीर थे बहुत रोहीस खानदान के थे भाई और बहनों मुझे उदाह मंसी ने कहा जीरो मैं तुझे सड़क से उठाऊंगा ताकि व्हेन आई ब्लेस यू यू गिव मी ऑल द ग्लोरी हाल मैं साइकिलों पे घूमा गाँव गाँव शहर शहर साइकिल के आगे मेगाफोन लगा के चौकों में खड़ा होके सिटीज के अंदर बाजारों में चौराहों पे, दुकानों के आगे पुलिस स्टेशन के अंदर जाके स्कूल्स के अंदर जाके हॉस्पिटल्स के अंदर जाके फैक्ट्रीज के अंदर जाके वेर एवर मैन वॉज फाउंड वेर एवर मैन वॉज फाउंड आई वेंट एंड आई कैरिंग द गॉस्कुल ऑफ जीजस क्राइस्ट आई डेंट के पीपल से अबाउट मी तो याद करें वो पहला पहला प्यार खुदा देश मुसी के लिए फिर जब आप नामधारी मरे हुए ईसाइयों के संग में संगति करते हैं आपको मालूम मैं जब खुदावंद में आया तो मैं ऑफरिंग में सौ रुपया डालता था उस समय अगर सौ ना हो तो पचास आई वॉन्ट टू ऑनर गॉड मैं जो देता था मैं ये मानता हूँ जो मैं प्रभु को देता हूँ मैं उससे प्रभु का सम्मान करता हूँ आई ऑनर द लॉर्ड प्रभु क्या कहता है प्रभु कहता है अपने दशमांश अपने पहले फल से अपने परमेश्वर यहोवा का सम्मान कर तब तेरे खत्ते भरे रहेंगे लहलहाते रहेंगे तेरे मटकों में दाख मधु उमड़ता रहेगा तेरे जैतून के तेल की धाराएं बहती रहेंगी धन्य होगा तेरी कोह का फल धन्य होगा तेरे जानवरों की कोह का फल जमीन की कोख से उगने वाला अनाज धन्य होगा तू तो धन्य होगा पृथ्वी की जातियां तुझे धन्य कहेंगी तो पूछ नहीं सर ठहरेगा और जहां कहीं तू जाएगा तेरे नाम का बोलबाला होगा यह तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा और तू पृथ्वी की कौमों को उधार देगा ऐसे करेगा लेगा नहीं और प्रभु कहता है, मैं तुझे सर बनाऊंगा पूछ नहीं और प्रभु कहता है, मैं स्वर्ग के दरीचे खोल के अपनी चुनिंदा चॉइसेस ब्लेसिंग आम वर्ग है चुन के तुझे ब्लेसिंग मैं पोर आउट करूंगा और ऐसे बारिशें बरसाऊंगा कि तेरे घर में रखने के लिए जगह नहीं होगी मैंने प्रभु मसीह के लिए मुझे प्रभु ने कहा गेहूं का दाना है तू तू जमीन में गिरेगा और नाश होगा फिर फसल पैदा होगी तो मैंने सरेंडर किया प्रभु के हाथों में दुख बहुत सहे भाई और बहनों कई कई हफ्ते में भूखा रहा हूं साइकिल चलाता रहा प्रभु का वचन प्रचार करता रहा एक दिन में 500 सौ नए लोगों का टारगेट रखता था जिन्हें नया नियम देता था और प्रभु के बारे में बताता था प्रभु कहता है तूने अपना पहला प्यार खो दिया आपको मालूम परमेश्वर का सच्चा जन कौन है जो जिस दिन प्रभु में आया वो दिन उसकी आंखों के आगे बिल्कुल साफ है पानी की तरह और अपने जीवन को वो ऐसे पलट के पीछे देखता है अपने जीवन के सारे साल और वो परमेश्वर का धन्यवाद आपको मालूम लोगों को प्रभु धन देता है बिजनेस देता है कारोबार देता है पैसा देता है नाम देता है यश देता है लोग उनके जीवन में भेजता है लोग भूल जाते हैं इसकी पूजा करने लगते हैं इसकी हर एक चीज को इसके आयन से देखने लगते हैं और प्रभु का प्यार दिल से गुल हो जाता है हो सकता है बिल्डिंगें आपने बना ली हूं हो सकता है मिनिस्ट्री आपने खड़ी कर ली बहुत सारे लोग भी आपके संग पास्टर की सेवा करते हो लेकिन इधर रोशनी खत्म बत्ती गुल पहला प्यार नहीं है प्रेरित पलूस सुने ध्यान से तीसरी मिशनरी जर्नी पे जाता है 19 अध्याय प्रेरितों के काम में अगर आप पढ़ेंगे तो उसे 12 जवान लोग मिलते हैं जिनसे वो परमेश्वर के वचन की चर्चा करता है उन लोगों ने वो यूरोप के लोग थे उन लोगों ने पहली बार वचन सुना था अपोलूस के द्वारा अपोलूस भी एक यूनानी बिलीवर था विश्वासी था जिसने युन्ना के बपतिस्मे तक की शिक्षा हासिल की थी पवित्र आत्मा की शिक्षा उसने नहीं ग्रहण की थी लेकिन अपलूस एक सच्चा खादम था अवश्य तो प्रेरित पोलूस जब जाता है इस इलाके में उसे ये भाई लोग मिलते हैं और प्रेरित पल्लु उनसे क्या पूछता है प्रेरित पल्लु से पूछता है क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया जब तुमने विश्वास किया आपको मालूम चेलों के युग में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा की भरपूरी तौबा करके पवित्र जीवन जीना नेक चाल चलना चरित्र का बदल जाना इंसान के अंदरूनी जीवन और बाहरी जीवन का बदलना उसका मॉरल लाइफ बदलना नैतिक जीवन बदलना उसका आत्मिक जीवन बदलना और उसका सामाजिक जीवन बदलना उसका कारोबार बिजनेस उसके जीवन की नुहार बदल जाना प्रभु के आगमन से वो दुष्टता और कुटिलता और बदकारी की चाल चलता था अब वो पवित्रता की चाल चलता प्रभु के पीछे तो हम पढ़ते हैं कि प्रेरित पलूस यहां पे काम करता है परमेश्वर का और एक सच्ची कलिसिया की स्थापना होती है आप पढ़ लीजिए उन्नीस अध्याय बीस अध्याय प्रेरितों के काम प्रेरित प्रयोग पुलुष में जाता है और एफसस में एक का निर्माण होता है प्रेरित पुलुष वहां पे दो साल रहता है बहुत सारे विश्वासी अब वहां पे प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाते हैं एक बहुत जबरदस्त कलिसिया की स्थापना होती है एक बहुत शक्तिशाली बेस एक हेडक्वार्टर बनता है एफिस में आपको मालूम एफिसस एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था एफिसस में आर्टिमिस देवी का मंदिर था जो दुनिया के सात अजूबों में से सेवन वंडर में से एक था और एफिसस की जो कलीसिया है इसका बहुत बड़ा इतिहास है एफिसस में यरूशलम से इसराइल से यहूदी लोग पलायन करके रहते थे जिसे हम डायस्पोरा जूस कहते हैं यहूदी लोगों की बहुत बड़ी कम्युनिटी थी और उन यहूदी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने प्रभु पे विश्वास किया और यहां पे एक जबरदस्त कलीसिया की स्थापना हुई और आपको मालूम अगर आप 16 अध्याय पढ़ेंगे प्रेरितों के काम तो तिमोथियस नाम का एक व्यक्ति है जिसका पिता ग्रीक है यूनानी है लेकिन उसकी माता यहूदी है लुइस उसकी नानी है और पलूस से क्या लिखता है उसकी माता और उसकी नानी धर्मी हैं, यह के लिए पवित्र जीवन जीते हैं उनके पास परमेश्वर की पुस्तक परमेश्वर की व्यवस्था की किताबें हैं नबियों की किताबें हैं और उसकी माँ और उसकी नानी ने बचपन में व्यवस्था सिखाई है और क्या कहता है प्रेत पलूस पलूस कहता है वो व्यवस्था की किताबें मोजेज की किताबें वो नबियों की किताबें वो नवीम एम कैटो वो तुझे बुद्धि दे सकते हैं वो तुझे मोक्ष का प्रकाशन ज्ञान दे सकते हैं प्रेरित पलूस प्रभु का दास बताता है पुराना नियम उतना ही इंस्पायर्ड है जितना नया नियम आपको मालूम आप हैरान होंगे जब प्रेरित पलूस तिमोथेस की पत्नी में लिखता है ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड सारा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है और वहां पे जो ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है पलूस कहता है ऑल स्क्रिप्चर इज थियोस नस्टस परमेश्वर नस्टस स्वास परमेश्वर का स्वास है ये बाइबल ये धर्म ग्रंथ नहीं है ये धर्म के परिवर्वचनों के लिए दी गई किताब नहीं है ये थियोलॉजी बिल्ड करने के लिए दी गई किताब नहीं है ये रीति रिवाज परंपराएं कायम करने के लिए दी गई किताब नहीं है ये होगा कि श्वास है गॉड ऑल माइटी ब्लू ब्रेथ एंड रोड डिस्ट आपको मालूम जब पलूस लिखता है कि सारा स्क्रिप्चर पूरा कलाम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया उसकी ब्रेथ है ये और किसके लिए आपको सिखाने के लिए आपकी ताड़ना करने के लिए आपको अनुशासन में लाने के लिए आपको मसीह के काम के लिए तैयार करने के लिए ये कलाम के काम समझिए ये आपकी ताड़ना करेगा आपको डिसिप्लिन करेगा यह आपको सिखाएगा यह आपको मेंटर करेगा यह आपको मसीह की डील डॉल में मसीह के कद तक ले जाएगा यह कलाम यह कलाम आपको गुड गुड बातें बताने के लिए नहीं है यह कलाम आपको केवल मोटिवेशन देने के लिए नहीं है यह कलाम प्रोफेसर पापा प्रोफेसर पापा करने के लिए नहीं है यह कलाम आपको यीशु मसीह के जैसा बनाएगा ताड़ेगा आपको आपको काटेगा छांटेगा, और फलदार बनाएगा आपके जीवन को ढालेगा यह कलाम सांचे में मोल्ड में लेके आएगा यह कलाम और मसीह यीशु की पहचान में मसीह यीशु की डील डॉल तक पहुंचाएगा ताकि आप परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार किए जाएं। ये कलाम आपको केवल गुड गुड बातें बोलने के लिए नहीं है इसकी एक असाइनमेंट है और ये कलाम जिसके विषय में प्रेरित पुलूस लिखता है कि पवित्र आत्मा की ब्रेथ है यु होवा की श्वास है यह कलाम आपको मालूम किसकी बात कर रहा है प्रेरित पुलुस उस समय प्रेरित पुलुस पुराने नियम की बात कर रहा है पुराने नियम की उनतालीस किताबों के विषय में कह रहा है क्योंकि नया नियम तो अभी लिखा भी नहीं गया था पूरा नया नियम पहली सेंचुरी के बाद लिखा गया भाई और बहनों प्रेरित लोग जिस किताब से प्रचार करते थे वो पुराना नियम था ओल्ड टेस्टामेंट प्रेरितों के हाथ में नया नियम नहीं था प्रेरितों के हाथ में मत्ती मरकुस सलू का नहीं थे अभी अभी ये लिखे जा रहे थे प्रेरित पुराने नियम में से यीशु मसीह की इंजील की मनादी कर रहे थे और बता रहे थे पुराने नियम में लिखी गई सारी की सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जन्म लेने में यीशु मसीह के देह धारने में यीशु मसीह की शिक्षा यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु यीशु मसीह के पताल में जाने और यीशु मसीह के मुर्दों में से जुटने के द्वारा पूरी हुई हैं और मसीह ने ये कलाम पूरा किया वो पुराने नियम में से प्रचार करते थे आज बहुत सारे झूठे प्रचारक कहते हैं पुराना खत्म हो गया हम तो ग्रेस में जी रहे हैं ये हाइपर ग्रेस की थियोलॉजी जो सिंगापुर से आई है ये यहोवा का सच्चा कलाम नहीं है ये काट के ट्रंकेट करके आधा अधूरा कलाम दे रहे हैं और यही है ग्रेट अपोस्टसी एपोस्टास जो क्रूस से दूर लेके जा रही है शिक्षा तो प्रेज़ पलूस के द्वारा ये कलीसिया स्थापित होती है और ये बहुत ही मेट्रोपॉलिटन काइंड सिटी है यहाँ पे एक कॉस्मोपॉलिटन दुनिया बसती है रोमन कॉलोनी है और कई कंट्रीज के लोग यहाँ पे रहते हैं प्रेत पलूस के द्वारा परमेश्वर यहाँ पे एक बेस तैयार करता है सेवकाई का और प्रेत पलूस सोलह अध्याय प्रेरितों के काम में एक, एक जवान भाई है जिसका नाम है तिमथी उसका पिता ग्रीक है लेकिन वो जेंटाइल बिलीवर है पर उसकी माता और उसकी नानी यहोवा के कलाम में गुंधे हुए हैं और वो तिमथी को ओल्ड टेस्टामेंट सिखाते हैं और प्रेरित पुलुष कहता है ये ओल्ड टेस्टामेंट जो तेरी नानी ने और तेरी माँ ने तुझे सिखाया है मुक्ति के लिए काफी है हाल और तिमथी का प्रेरित पुलुष खतना करवाता है पढ़ लीजिएगा प्रेरितों के कम सोलह है के तीन और चार वचन में प्रेरित पलूस चाहता है कि तिमथी को जुइस लोग एक्सेप्ट करें क्यूं? क्यों क्योंकि प्रेरित पलूस तिमथी को मेंटर कर रहा है रेज अप कर रहा है उसका अगुआ है आपको मालूम पापा कहलाना आसान बात नहीं है लोग कहते हैं ना पापा 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 पा, प्रेरित पलूस तिमथी की लाइफ में अपने जीवन के कीमती साल डिवोट करता है उसे मेंटर करता है उसे तैयार करता है अपने जीवन का समय अपना जीवन उसके अंदर बीजता है प्रेरित पलूस और उसे तैयार करता है वो एफिस की कलीसिया का एक बड़ा सेवक बने आपको मालूम प्रेज पलूस को तिमथी प्रेज पलूस तिमथी को लिखता है फर्स्ट तिमथी चैप्टर नंबर वन वर्स नंबर सेवन एट गॉड हेजन गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर आपको मालूम फियर को नए नियम में नए नियम के लिखने वाले डर को क्या कहते हैं डर के लिए कौन सा ग्रीक वर्ड है फियर के लिए ग्रीक वर्ड है फोबिया आपने पढ़ा होगा सुना होगा साइकोलॉजी में लोग कहते हैं फोबिया हाइड्रोफोबिया जिसको पानी से डर लगता है वर्टिगो hmm? होता है वर्टिकल फोबिया हाइट से किसी को डर लगता है हमाटिया फोबिया किसी को खून देख के डर लगने लगता है फोबिया का मतलब होता है डर आपको मालूम साइकोलॉजी क्या बताती है साइकोलॉजी बताती है तीन किस्म के फोबियाज हैं जमीन पर लुआया परमेश्वर अपने कलाम में तीन बार कुछ बाइबल स्कॉलर कहते हैं कि तीन बार क्योंकि एक जगह इनडायरेक्टली मत डर कहा गया है तीन बार परमेश्वर कहता मत डर हर फोबिया के लिए परमेश्वर कहता मत डर लेकिन आपको मालूम तिमथी की पत्नी पहले अध्याय के साथ वचन में प्रेरित पुलूस कहता है तिमथी को चिट्ठी लिख के कहता है गॉड हेज एन गिवन एस द स्पिरिट ऑफ फियर आपको मालूम वहां पे फियर के लिए कौन सा वर्ड पॉल ने यूज किया है वो ग्रीक वर्ड है डिलिया जिसका मतलब डायरेक्ट फियर नहीं है जिसका मतलब है इंटिमिडेशन पॉल एक जवान भाई है एफसस की कलीसिया में आपको मालूम कौन कौन रहते हैं यहुन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा वो भी एफस की कलीसिया में रहता है हिस्ट्री पढ़ें, यीशु मसीह की माता मरियम को यहुन्ना लेके एफसस में आ गया और यहुन्ना के नाम से एक चर्च है यशु मसी की माता के नाम से एक चर्च है एफसस में जिसके खंडर अभी बाकी हैं ये मसी की माता मरियम के साथ वहीं रही और बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि वहीं उसकी कब्र थी शी डाइड देर एफसस में और एफसस में यरूशलम की कलीसिया के बड़े बड़े स्टॉल वॉल्ट थे बड़े बड़े दिग्गज जो प्रभु के संत थे वो थे उस कलीसिया में वो प्रभु के संत भी थे उस चर्च के मेंबर विश्वासी लोग जिन्होंने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिया देखा था जब वो 500 लोगों पे प्रकट हुआ था तो पलूस इंटिमिडेट हो जाता है क्योंकि जवान है प्रेत पलूस कहता है डो नॉट कीप डिया इंटेमीडिएट मत हो गॉड हेजन गिवन एस द स्पिरिट ऑफ इंटेमिडेशन उसे एनकरेज करता है कि तुझे परमेश्वर ने इस काम के लिए चुना है यहां पे बड़े बड़े प्रभु को जानने वाले भक्त लोग भी इस लिसिया के मेंबर हैं लेकिन तुझे दिलेरी से प्रभु का काम करना है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने तो आपको मालूम पलूस को यहां पे रेज करता है पास्टर बनने क्योंकि ये बहुत बड़ी चर्च है एफ्लुएंट चर्च है वेल्दी चर्च है यहां पे अमीर लोग हैं यहां पे यरूशलेम के यहूदी लोग हैं जो जो पलायन करके आए हैं ये कलीसिया बहुत बड़ी कलीसिया है मजबूत कलीसिया है नए नियम की सबसे गहरी पत्री इप्स की इप्सियो की पत्री प्रेरित पलूस ने इसी कलीसिया के नाम लिखी है और अगर आप हिस्ट्री को और थोड़ा खंगा लेंगे तो आपको पता लगेगा तिमोस के बाद यहां पे एक और बंदा बिशप बना इस कलीसिया का जिसका नाम था उन्नीसमस अब ये उनसेमस कौन है फिलेमन नाम की एक पत्री है नए नियम में आपकी बाइबल में शायद कभी आपने पढ़ी नहीं वो चिपका रह जाता होगा पन्ना एक ही पेज है बहुत अद्भुत पत्री है फिलेमन की मैं किसी दिन उसके ऊपर आपको दो या तीन घंटे की शिक्षा जो आपके संग बांटूंगा फिलमन नाम का एक धनी व्यक्ति है जो प्रेरित पलूस के द्वारा प्रभु में आया है और उसने अपना बहुत बड़ा घर प्रभु के काम के लिए खोल दिया है बहुत बड़ा घर है उसका उसके घर में संगति लगती है आपको मालूम नए नियम में चौदह रेफरेंसेस हैं जो ये बताते हैं पहले युग में कलीसिया घरों में होती थी मैं आपको चौदह हवाले दे सकता हूँ एक्चुअली पंद्रह दे सकता हूँ इनडायरेक्टली बिल्डिंगें नहीं बनाते थे प्रेरित लोग बिल्डिंगों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया उन्होंने उन्होंने जीवित कलीसिया बनाने पे फोकस किया एक है ऑर्गेनाइजेशनल चर्च दुनिया में ऑर्गेनाइजेशनल चर्च है बहुत ज्यादा लेकिन ऑर्गेनिक चर्च बहुत कम है चर्च ऑफ जीजस इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन चर्च ऑफ द लॉर्ड जीजस इज एन ऑर्गेनिज्म We are living cells in the body. We are living limbs. We are living parts of the body connected to each other. But the sad thing is that the church has taken the form of an organization, and there is no life flowing in this organization. Or the organization there is a lot of corruption, a lot of false teaching, a lot of abuse of power. Jesus Christ's sheep are लोगों को स्क्रिप्चर को ट्विस्ट करके डोमिनेट करके स्लेब बनाया जाता है कई ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को सच्चा कलाम नहीं मालूम तो ये जो उनिसमस है ये अपने मालिक जिसका नाम है फिलमन जो बहुत अमीर व्यक्ति है उसके घर से चोरी करके भागा है और ये पकड़ा गया है और ये जेल में है तो कौन सी जेल में ये चला जाता है जिस जेल में प्रहित पलूस को रखा हुआ है और प्रेत पलूस वचन प्रचार करता है जेलों में और उन्हें से नाम का बंदा प्रभु को ग्रहण करता है उन्हें से अपनी सारी कहानी सुनाता है कि मैं फलाने बंदे की चोरी करके भागा हूं आपको मालूम रोमी लॉ में रोमियों के कानून में अगर कोई गुलाम चोरी करके भागता है तो उसको या तो लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट मिलेगी या सरकलम कर दिया जाएगा लेकिन परमेश्वर यहोवा हुआ को छुड़ा लेता है और आपको मालूम प्रेरित पलूस जेल में एक चिट्ठी लिखता है किसके नाम फिलमन के नाम इस बंदे को वापस भेजता है इसके मालिक के पास जो प्रभु यीशु मसीह का दास है जिसके घर में कलीसिया लगती है और चिट्ठी में क्या लिखता है फिर किसी से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लेकिन एक दो बातें बताता हूँ चिट्ठी में लिखता है कि फिलेमन अब उनसे जो पहले तेरा नौकर था जो तेरे चोरी करके भागा है, जो तेरा गुनेगार है अब उसे क्षमा कर दे क्योंकि उसे यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है और क्या कहता है कहता है ओनिसमस अब तेरा नौकर नहीं अब मसीह में तेरा भाई है बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है फालेमन की पत्नी की तो फिलेमन इस कलीसिया का बिशप बनता है बाद में बहुत जलाली कलीसिया है बड़ी कलीसिया है मेगा चर्च है बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं इस कलीसिया के मेंबर यहुन्ना प्रभु का दास भी यही है यीशु की माँ मरियम भी यही है बहुत सारे वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह के संग रहे जिन्होंने यीशु मसीह का दर्शन किया मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह का वो इस कलीसिया के मेंबर है ये कलीसिया बड़ी अलौकिक है इसलिए पलूस ने बड़ी गहरी पत्री इस कलीसिया के नाम लिखी है लेकिन आपको मालूम बीस अध्याय पढ़ें मैं आपको कुछ वचन देता हूँ एक्स ऑफ दी अपोसल्स चैप्टर नंबर ट्वेंटी प्रेरितों के काम बीस अध्याय प्रेरितों काम बीस अध्याय में मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूं निकालिए मेरे साथ प्रेरितों के काम बीस अध्याय और इसका हम पंद्रह वचन से पढ़ते हैं वी सेल्ड फ्रॉम देयर एंड द नेक्स्ट at एंड डे वी अराइव द्रोगियम द नेक्स्ट डे वी केम टू माइलेटस पंद्रह वचन सोलह वचन फॉर पॉल to पास्ट एफ एस एस सो he वुड नॉट हैव स्पेंड टाइम इन एशिया ही was hurrying टू बी इन Jerusalem, इफ पॉसिबल ऑन द डे ऑफ Pentecost. पलूस जल्दी जल्दी जा रहा था पलूस दो साल रहा इस कलीसिया में अब मैं आपको बताता हूं पलूस जल्दी जा रहा है समुद्री यात्रा करके वो यरूशलम पहुंचना चाहता है पंतेकुस के दिन से पहले मैं आपको नए नियम में से बहुत सारे हवाले देके दिखा सकता हूं कि यीशु मसीह के चेले पहली कलीसिया उन्हीं पर्वों को मनाती थी जो यहोवा ने दिए थे ये देखिए यहां पे इसका सोलह वचन पढ़ लें प्रेरित पलूस पंते का पर्व मनाने के लिए जा रहा है यरुशलम प्रेरित पलुष झोपड़ियों का परम मनाने के लिए जाता है यरूशलम प्रेरित पलूस फसा का परम मनाता है यरुशलम ये हवाले हैं बाइबल के अंदर लेकिन निस्सी क्रीड जो 325 सौ पच्चीस एडी में कॉन्स्टेंटेन ने और रोमन कैथोलिक चर्च ने बनाई उन्होंने ये होगा कि पर्वों को निकाल दिया और वो पर्व लेकर आए सेटरिया है क्रिसमस शनि देवता की पूजा का दिन है सूर्य देवता की पूजा का दिन है क्रिसमस जिसे लोग मनाते हैं यहोवा के पर्व तेई अध्याय तेईस अध्याय लेवी व्यवस्था में पढ़ें, यहोवा परमेश्वर कहता है लेवी व्यवस्था तेईस अध्याय के दो वचन में यह है मेरे पर्व यह है मेरी पवित्र सभाएं यह है मेरे पवित्र मेले यहोवा कहता है, मेरे हैं यहूदियों के नहीं, नहीं है ये मेरी होली कन्वोकेशन जाइए कलीसिया ने कब इन्हें मनाना छोड़ा Jab Roman Catholic Church in a puri Bible ki translation change. Ki. The apostles they were still following the calendar of God. They were still keeping an eye on the watch of the Lord. They were still continuing all those glorious feasts and the festival that God commanded Moses. The children of Israel were supposed to celebrate them forever as an eternal decree. But in 325 A.D. The Nisian Creed. I told you, I shared with you how Constantine wanted to remove every vestige of Jewish heritage from Christianity. He wanted to remove every, every, every kind of connection, even you know the symbols or any kind of connotation that was to do with the Jewish culture. <clears throat> थेर मैं इस पे आपको मैसेज दे चुका हूं <coughs> सोलह अध्याय में लिखा है तो सत्रह वचन में लिखा है एक्ट ट्वेंटी वर्स नंबर सेवेंटीन फ्रॉम सेंट टू एस एंड कॉल फॉर द एल्डर्स ऑफ द चर्च उसने एफ की कलीसिया के सभी बुजुर्गों को बुलाया पदूस ने और क्या किया उसने एंड वेन दे हैड कम टू हेम ही सेट टू डेम यू नो फ्रॉम द फर्स्ट डे आई केम ए टू एजिया इन इन वट मैनर आई ऑलवेज लिव्ड मंग यू पलूस बताता है एफसस की कलिसिया के बुजुर्गों को कि मैं जब से तुम्हारे बीच में आया मेरा जीवन देखे मैंने कैसा जीवन जिया है हाल कैसा सादा जीवन सरल जीवन प्रेरित जीते थे और कैसा वो जीवन आश्चर्यचकित सामर्थ से भरा होता था उनके जीवन में कोई अडंबर नहीं है प्रेरितों के जीवन में कोई दिखावा नहीं कोई परेडिंग नहीं कोई शोकेसिंग नहीं कोई पराफर्निलिया नहीं कोई बॉडीगार्ड नहीं कोई दिखावे के लिए बड़ी बड़ी मर्सिडीज नहीं कोई अपने आप को सेलिब्रिटी बनाने की कोई अप्रोच नहीं उन प्रेरितों की सरल साधारण यीशु मसीह के जन थे लेकिन असाधारण से भरे थे असाधारण आज साधारण लोग हैं असाधारण कुछ भी नहीं है उनके पास सिवाय पैसे के महंगी गाड़ियों के महंगे वस्त्रों के बड़ी बड़ी स्टेज के और दिखावे के इनको देखें इनका जीवन लिखा है मैंने जीवन कैसा जिया सर्विंग द लॉर्ड विद ऑल ह्यूमिलिटी दीनता से मैंने सेवा की विद मेनी टीयर्स एंड ट्रायल्स विच हैपन टू मी बाय द प्लॉटिंग ऑफ द जूज द जूज गेव पॉल दर फॉसल रियल बैड टाइम दे वर ऑलवेज ए पेन इन द नेक फॉर दर फॉसल but he persevered he continued showing them the love of jesus even though he debated he reasoned he presented christ to them explicitly but they were creating troubles they were writing among people they were doing you know such kind of sinister propaganda against paul the apostle his life was in peril he was in danger several times this great apostle of the lord jesus christ his life was in serious trials at all times

इतने महान प्रेरित घर घर में जाके प्रभु का कलाम सिखाते हैं घरों घरों में संगतियां करते हैं अभी तो लोग कहते हैं कि तुम तो छोटे से हो तुम बीस को सिखाते हो हम तो बीस हजार को सिखाते हैं देखिए भैया प्राइड ये पिट में ले जाएगा तुझे ये मसीह की खुशबू नहीं है ये किसी और की खुशबू है The Sune, testifying to Jews and also to Greek repentance towards God and faith towards the Lord Jesus Christ. And see how now I go bound in the spirit to Jerusalem. Prajus Keta Mene to me sikhaya. whole counsel I did not keep back anything. I preached unto you the true word of the Lord. What I received from the Lord I delivered unto you. I never twisted words i never watered down the gospel i never preached the gospel of convenience i did not bring to you a gospel that is culturally relevant i was not trying to build up a seeker sensitive church i was true to my heavenly calling and i preached to you the true word of god now god is sending me to jerusalem that i may bear testimony of jesus before the roman empire So, what <coughs> मैं जाके यीशु मसीह के नाम की गवाही दूंगा लेकिन क्या कहता है <coughs> क्या कहता है पढ़ पढ़ लीजिएगा ये सारे वचन 21, 22, 23, 24, 25 यू रीड इट फ्रॉम एक्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 20 तो देखें प्रिंसिपल उस क्या कहता है कहता है देयर फॉर आई टेस्टिफाई टू यू दिस डे दैट आई एम इनोसेंट ऑफ द ब्लड ऑफ ऑल मैन प्रेरित पलूस कहता है मैं तुम्हारे लहू से बरी हूं मैंने तुम्हें सच्चा कलाम सिखाया है झूठा कलाम नहीं सिखाया वचन को ट्विस्ट नहीं किया मैंने ट्रू गॉस्पल मैंने तुम्हें दी है नाउ मैं ये अकाउंटेबिलिटी से बरी हूं तुम्हारे ब्लड से क्यों प्रेरित पलूस अपनी स्पिरिट में सेंस कर रहा है क्या सेंस कर रहा है पढ़े फॉर आई हैव नॉट शन टू डिक्लेयर टू यू द होल कौंसल ऑफ गॉड मैंने परमेश्वर की पूरी कौंसल ये पूरी बाइबल पूरी कौंसल एक ही वचन नहीं बीजो तो बढ़्डो नहीं कला जेडे अंजुआ ना बीज देने जयकारे ना बढ़ने एक ही नहीं अगुओं के अधीन रहो एक ही कलाम नहीं मत मलाकी की तीन की दस सारे दशमांश मोदी खाने में लाओ एक ही कलाम नहीं पूरी काउंसिल ऑफ गॉड मैंने तुम्हें सिखाई है होल काउंसिल ऑफ गॉड परमेश्वर की पूरी तस्वीर खींचनी है कैनवस के ऊपर अपने मतलब का सब्जेक्ट नहीं सिखाना है हुँ? बीजने और कि बीजो 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 गोल्डन पार्टनर बनो डायमंड पार्टनर बनो सिल्वर पार्टनर बनो यही नहीं सिखाना पूरी काउंसिल ऑफ गॉड सिखानी है परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के दिल से बातें करेगा और परमेश्वर के लोग आप आपके हाथ में पैसा देंगे प्रभु के काम के लिए परमेश्वर के लोगों को नींद नहीं आने देगा प्रभु बोलेगा वो बीजो उधर और जो बीजेंगे उनको सौ गुना और हज़ार गुना देगा प्रभु व्यवस्था विवरण एक ग्यारह में हज़ार गुना और सौ गुना Hallelujah, खुद परमेश्वर का आत्मा लोगों को विवश करेगा अगर पवित्र आत्मा काम करेगा पीपल विल ब्रिंग मनी पीपल विल ब्रिंग ऑल द दे विल ब्रिंग फर्स्ट फ्रूट ऑनर गॉड हमें मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है स्क्रिप्चर को कि कान में पाउंड दो और कान में जबूर की ब्लेसिंग ले लो ये नहीं करना है सो द मनी एंड गेट अ प्रोफेसी यह बाइबलॉन का धर्म है ये मिस्र की शिक्षा है यह बिलम का राह है यह कोरा का राह है हाल लु या यह कैन का राह है यह ये यीशु मसीह का राह नहीं है और क्या कहता है आगे देयर फोर टेक ही टू योर सेल्फ एंड टू ऑल फ्लॉक अमंग विच द होली स्पिरिट हैज़ मेड यू ओवर सीयर टू शेपर द चर्च ऑफ गॉड विच ही परचेज विद इज ओन ब्लड ये वर्स बताती है ट्वेंटी एट कि चर्च को यहोवा पिता ने अपने खून से खरीदा है यीशु मसीह के अंदर जो ब्लड है वो यहोवा का ब्लड है बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप फैक्टर उसके पिता से आता है मां से नहीं आता मां के ब्लड को रोकता है प्लेसेंटा मां की कोख में यीशु मसीह के अंदर यह खून है जिससे कलीसिया को खरीदा और क्या कहता है फॉर आई नो दिस दैट आफ्टर माई डिपार्चर सावेज वर्ल्ब वेलकम अमंग यू नॉट स्पेयरिंग द फ्लॉक कहता झूठे भेड़िए आएंगे और क्या करेंगे झुंड को खा जाएंगे किसी को छोड़ेंगे नहीं और क्या कहता है ऑल्सो फ्रॉम अमंग योर सेल्स मैन विल राइज अप स्पीकिंग प्रवर्स थिंग्स टू ड्रॉ अवे डिसाइपल्स आफ्टर दैन तुम्हारे बीच में से कुछ खड़े होंगे झूठी शिक्षा देंगे शतानी शिक्षा और भेड़ों को खींच के ले जाएंगे प्रेज पलूष भविष्यवाणी कर रहा है और ये भविष्यवाणियाँ बढ़िया भविष्यवाणियाँ नहीं है ब्लैस यू बरकत आ रही है बड़ी गाड़ी आ रही है बड़ी कार बड़ा बंगला रियल इस्टेट आ रही है ये भविष्यवाणी नहीं है ये ये एफस की कलिसिया के लिए भयंकर संकेत है कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है की के ऊपर झूठी शिक्षा झूठी तलीम झूठे प्रेरित झूठे भविष्य वक्ता फाड़ खाएंगे इस कलीसिया को प्रेरित पलूस क्या कहता है कहता है देयर फॉर वॉच रिमेंबर फॉर थ्री ईयर्स तीन साल कितने तीन साल कहता है फॉर थ्री इयर्स आई डिड नॉट सीज टू बॉर्न एवरी वन नाइट एंड डे टीयर्स तीन साल में तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं एक सच्चा नबी एक सच्चा प्रेरित लेकिन ये मोटिवेशनल प्रीचिंग ढूंढ रहे होंगे प्रभु का बंदा इन्हें वार्निंग दे रहा था तीन साल कहता सोनाओ ब्रदर आई कमेंड यू टू गॉड एंड टू द वर्ड ऑफ हिज ग्रेस व्हिच इज एबल टू बिल्ड यू अप एंड गिव यू इनहेरिटेंस अमंग दो आई हैव कावटेड नो वन सिल्वर और गोल्ड और अ क्या कहता है कहता है, मुझे मैंने लालच नहीं किया कि तुम्हारा चांदी मुझे मिल जाए तुम्हारा सोना मुझे मिल जाए तुम्हारे बढ़िया कपड़े मुझे मिल जाए यह मैंने कभी लालच नहीं किया हालांकि एफसस की कलीसिया बहुत अमीर कलीसिया है हु? कहता मैंने क्या कहता प्रिंसपलूस कहता है यस यू योर सेल्फ नो दीज हैंड्स है विद मी कहता मैंने मेहनत भी की है प्रभु के काम भी किया और मेहनत भी की है पलूस इस कलीसिया को वार्निंग दे रहा है कि झूठी शिक्षा आएगी तुम्हारे अंदर झूठे नबी आएंगे भेड़िए आएंगे फाड़ खाएंगे कलीसिया को कलीसिया टूट जाएगी झूठी शिक्षा आपको मालूम तीन भयंकर चीजें होती हैं जब अभिषेक आता है ना किसी बंदे के ऊपर तो उसको लोग जब सेलिब्रिटी बना देते हैं पापा डैडी बाबा जी बना देते हैं बहुत बड़ा बना देते हैं फिर वो बंदा सोचता है दोष ना लगाओ नहीं तो दोष लगाया जाएगा उन आयतों का इस्तेमाल करके अपने आप को फूल प्रूफ बताता है कि मेरे ऊपर आप दोष नहीं लगा सकते भाई और बहनों कोई भी कोई भी फूल प्रूफ नहीं है सिवाय यश मसीह के हम सबके जीवन जीवन के लिए हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमें स्पेस देना है लोगों को अपने जीवन में बोलने के लिए इतनी बड़ी अपनी पर्सनैलिटी को ना बना लें कि लोग हमारे आगे बोलने से डरें और हम गलत भी करें बुरा जीवन भी जिए गलत शिक्षा भी दें तो लोग हमारी सराहना ही करते रहें लोग पास्टर लोग अपनी चर्च कमेटी में चर्च बोर्ड में आपको मालूम किन लोगों को रखते हैं जो उनसे सहमत होते हैं सबसे बड़ा खतरा ये ऐसे सेव के लिए आपने उन लोगों को रखा है जो आपके संग कभी आपको कभी कन्फ्रंट नहीं करेंगे कभी ब्रेन नहीं होगी आपकी कभी आपको कहेंगे नहीं आपने ये शिक्षा गलत दी आपने ये जो निर्णय लिया गलत था आपने ये जो बात सिखाई वचन के अनुसार सही नहीं है वो यस बॉस यस बॉस वाले लोग होंगे फ्रेज द लोड हाले लोया प्रभु के दास बड़े अभिषेक तो उनका पतन होगा उस खुदा के बंदे का और सेवकाई का मालूम क्यों क्योंकि यस बॉस यस बॉस वाले लोग डेंजरस हैं तो प्रेम पलूस बताता है कि तुम लोगों के बीच में झूठी शिक्षा से झूठे नबियों से पतन होगा के अब यीशु मसीह क्या कहते हैं मैंने आपको क्या बताया इस यहाँ पे आपको वचन दिया मैंने प्रकाशित वाक्य में जहाँ से हमने शुरू किया था दो अध्याय क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह प्रभु कहता है का चार लेस आई हैव दिस अगेंस्ट यू देट यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव तूने अपना पहला प्यार खो दिया है यीशु मसीह बात नहीं कर रहा कि तुम बड़े अमीर हो तुम्हारे पास बहुत पैसा है तुम बहुत पैसा लगा सकते हो मेरी सेवा में डायमंड पार्टनर गोल्डन पार्टनर ब्लैक डायमंड पार्टनर भी हो सकता है डायमंड पार्टनर से बड़ा बन सकते हो ये नहीं कर रहा है यशु मसीह यीशु मसीह कह रहा है मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ थी तेरे पास पहला प्यार वो तुमने खो दिया आपको मालूम यीशु मसीह आपके सच्चे प्यार का भूखा है आप सच्चे हृदय से उसे प्यार करें इसकी भूख है खुदाद यीशु मसीह को आपको मालूम मेरे जीवन में मैं क्या चैरिश करता हूँ अपने तीनों बच्चों को अपने सीने से लगा के चूमता हूँ कभी कभी वो मेरा ट्रेजर है वो मेरा इनहेरिटेंस है वो मेरी मिरास है मैं केवल उनको हक करके बस खो जाता हूँ एक एक इतने आनंद में सराबोर हो जाता हूं ऐसे ही हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह हमारा प्यार चाहता है यीशु मसीह कहता है तूने पहला प्यार खो दिया अब देखें यीशु मसीह क्या कहता है पांच वचन रिमेंबर देर फोर इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा पास नस जी का गीत है ए मेरे महबूब बंदे सुन मेरी तुझ से यजदा को शिकायत है यही तूने क्यों पहली मोहब्बत छोड़ दी तूने क्यों शैतान से की दोस्ती अ मेरे महबूब बंदे सुन मेरी सुन मेरी यशु मसीह कहते हैं तू गिरा है बहुत बुलंदी से आपको मालूम आप कब गिरते हो जब यीशु मसीह के लिए आपके अंदर प्यार नहीं रहता आपको मालूम आपके अंदर प्यार कब नहीं रहता यीशु मसीह के लिए जब पाप आपके दिल में आ जाता है पाप जब आप बदकारी के राह पे चलते हैं प्रभु के सच्चे राह को छोड़ देते हैं जब आप तंग फाटक से निकल के चौड़े फाटक पर चलने चले जाते हैं आपके अंदर वो पहला प्यार मर जाता है यीशु मसीह क्या कहता तोबा कर रिपेंट जीसस सेज रिपेंट एंड डू द फर्स्ट वर्क्स वही काम कर जो तू पहले करता था बहुत सारे पादरियों के लिए पैगाम है पहले जब आप ढोलकी बजाते थे रोज गीत गाते थे भजन गाते थे सड़कों पे जा कर ट्रैक्ट बांधते थे न्यू टेस्टामेंट लोगों को देते थे लोगों को रोज़ गवाहियाँ देते थे अगर हल्की सी भी गलत बात किसी को बोल दे आपकी आत्मा दुखती थी आप उस व्यक्ति के पास जाके क्षमा मांगते थे वुड यू काइंडली फॉर मी बिकॉज यू फेल्ट दैट यू वर वैक्सिंग द होली स्पिरिट यू नेवर वॉन्टेड टू ग्रीव द होली स्पिरिट यू वॉक In very, very close proximity with the Holy Spirit. You cherished Him above anything in this universe. You loved Him. There was no money in your pocket. There were no resources around you. You you didn't have anything. But the joy that was welling up in your soul was absolutely tremendous. You always thought you were the richest person upon the earth. Even though you didn't have good clothes, you didn't have cars, you didn't have, you know, electronic gadgets, you didn't have a big wardrobe, you didn't live in a big house house you didn't drive fancy cars you didn't have real estate nothing your bank balance was zero but love of jesus was flowing like a mighty ocean on the inside of you and you always always knew that he's all around you you were very rich that time when you did not have a big ministry you didn't wear fancy suits you didn't drive expensive cars, you were not traveling around the world, and you were not putting in front of your name international preacher, reverend doctor, you know fancy entitlement, his holiness and you know, right reverend, left reverend, overarching bishop, archbishop, senior pastor. you didn't have these fancy accolades. you didn't have these entitlements, and you didn't want either. People called you brother, you said, "Praise the Lord, hallelujah." the love for jesus was burning like fire it burned like fire and when the love burned in your heart like fire you were flame you were radiating the light of jesus in the world आपको मालूम मैं कई बार क्या करता था कई बार मैं अकेला खाना खाता था मैं एक और प्लेट लगाता था और मैं बोलता था यीशु मसीह आप मेरे संग आके खाना खाएं मैंने कितने दिन खाना नहीं खाया मैं एक रूम के अंदर रहा आई सेट टू सी यू यू नो पीपल यू नो वट वट द सिस्टमैटिक थियोलॉजी हैज टॉट दे से दिस वट इज हैपनिंग टू मी दे कॉल इट फूलिश इमोशनलिज्म They say this man is not mature enough. This man doesn't know how to handle scriptures. He doesn't know theology. He has no sense of hermeneutics and, hermeneutics and apologetics. That's all right. I damn care about that. But all that matters in my life is do I have the same love that I had in the beginning? This love should have grown, grown up. एक्सपोनेंशली उतना ही नहीं होना चाहिए प्यार आपके दिल में जो पहले था जब प्रभु को आपने पाया उससे करोड़ों गुना बढ़ जाना चाहिए था अब तक आपके अंदर प्यार लेकिन यीशु मसीह क्या कहते कहते तूने अपना पहला प्यार त्याग क्या ढूंढ रहा है यीशु मसीह आपके जीवन में लाभ यीशु मसीह जीवित है उसे प्यार चाहिए यीशु मसीह को मानना नहीं आपने ईसाई लोग कहते हैं जी हम येशु मसी को मानते हैं यकूब अपनी पत्नी में लिखता है उसे दुष्ट आत्माएं मानती हैं और तुम्हारे से बढ़ के काम करती वो कांपती भी हैं तुम कांपते नहीं हो वो उसे मानती हैं और कांपती हैं हमने उसे प्यार गेशमसी कहता है तुम्हें तुम्हें पेंट कर जो पहले करता था वो कर पहले जाके ट्रैक्टर बांटता था ना सड़कों पर अब तू सोचता है बहुत बड़ा रेवरेंट डॉक्टर है अब तू सोचता है तेरी बहुत बड़ी मेगा चर्च है तेरे पास बहुत बड़ी बड़ी कार गाड़ियाँ हैं तेरे पास दस बॉडी गार्ड हैं अगर तू इन्हें अपनी अचीवमेंट समझता है तो तेरे जैसा तेरे जैसा गरीब इंसान और तेरे जैसा मूर्ख इंसान पृथ्वी पर कोई नहीं है असली धन है यीशु मसीह के लिए सोतों की तरह उमड़ता हुआ प्यार क्या वो है तेरे अंदर ये पवित्र आत्मा डालता है हमारे अंदर ये हम खुद जनरेट नहीं कर सकते ये प्यार जिससे हम यीशु मसीह को प्यार करें वी नॉट जनरेट

आओ उससे प्यार करें जिसने हमसे प्यार किया आओ उससे प्यार करें जिसने हमसे प्यार किया खून बहाया जान भी दी खून बहाया जान भी दी कैसा सच्चा प्यार किया आओ उससे प्यार करें यदि कोई शिक्षा कोई चर्च आपको यीशु मसीह से प्यार करने में आगे नहीं बढ़ा रही है तो वो कलिसिया डेड है और उस सेवकाई का कोई अर्थ नहीं कोई मायने नहीं है सुनिए प्रभु क्या कहता है प्रभु कहता है पहले वाले काम कर और क्या कहता है वार्निंग क्या है? और एल्स आई विल कम टू यू क्विकली एंड रिमूव योर लैम्पस्टिक स्टैंड प्रभु कहता है, मैं आऊंगा नहीं तो जल्दी आऊंगा और क्षमादान तेरा हटा दूंगा आपको मालूम सुनिए ध्यान से यीशु मसीह सात क्षमादानों के बीच में घूम रहा है कैंडल स्टिक मैंने आपको दिखाया था ना ऐसे सेवन होते कैंडल स्टिक ये जलते हैं सेवन इसे मनोरा कहते हैं हिब्रू में लुकनिया कहते हैं ग्रीक में लुकनिया इसे कहते हैं मनोरा सात चिराग जलते इनके बीच में यशु मसीह घूमता है ये सेवन कैंडल स्टिक सात कलीसिया है यशु मसीह कहते हैं इस कलीसिया को मैं तेरा कैंडल स्टिक रिमूव कर दूंगा अगर तू तोबा नहीं करेगा एफस की कलीसिया के लिए बहुत सख्त वार्निंग है कि मैं तेरा कैंडल स्टिक हटा दूंगा उस कैंडल स्टिक में डाला जाता है जैतून का तेल मैंने आपको बताया जैतूनों को क्रश किया जाता है उनमें से जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल निकलता है वो हैकल के अंदर जाता है सुबह और शाम और सुबह शाम दोनों वक्त उन सेवन कैंडल स्टिक के अंदर तेल डाला जाता है जो बीच वाली ब्रांच है जिसे सर्वेंट ब्रांच कहते हैं उसके द्वारा तेल सब में पहुंचता है यह तेल सुबह भी बदला जाना चाहिए शाम को भी उसकी विक्स क्लीन की जानी चाहिए यह तेल जो है क्रश करके निकलता है मैंने आपको बताया यशाया दस के सत्ताइस में लिखा है द योग शैल बी ब्रोकन बिकॉज ऑफ अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा बाइबल में अभिषेक के लिए अनोइंटिंग के लिए वर्ड है मासा लेकिन यहां पे आईजाया टेन ट्वेंटी में मासा वर्ड यूज नहीं किया यशाया ने यशाया ने वर्ड यूज किया शिमिन शिमिन का मतलब आपको मालूम क्या है जब जतूनों को बिल्कुल जतून जो मचोर जवान जतून होते हैं उनको एक पत्थर के अंदर रखा जाता है इन्वर्टेड पत्थर के अंदर स्टोन के और उसके ऊपर एक बड़ा स्टोन गिरा जाता है उसे क्रश करने के लिए तो उन जवानी के भरे हुए जतूनों में से ततीरी की तरह बह के जो पहली तोड़ का पंजाबी में बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल निकलता है वो हैकल में जाता है शमादान को जलाने के लिए वो वो भाई और बहनों जो जतून है वो खुदावंद यशु मसीह है जो गसमनी में क्रश किया गया गसमनी का मतलब आप समझते क्या है गसमनी का मतलब है जहाँ अंगूरों में से दाखरस निकाली जाती है गसमनी का मतलब जहाँ जतूनों को क्रश किया जाता है उनमें से तेल निकाला जाता है ये तेल है शिमिन ये गाढ़ा तेल है गाढ़ा अन अडल्ट्रेटेड ऑर्गेनिक प्योर ऑयल ये यशु मसीह के बदन से निकला है शी मसीह के शरीर से निकला तेल है जो आपको और मुझे मसा करता है अभिषेक करता है यह जुआ तोड़ता है आपको मालूम यह तेल रोशनी पैदा करता पढ़ लीजिए एक वचन आप पढ़िए 119 जबूर की 115 आयत 119 जबूर और उसकी 115 आयत जल्दी से पढ़ें जबूर 119 साम उन्नीस शाम हंड्रेड एंड वर्स नंबर 115 सुने क्या लिखा है यहां पर यहाँ पे लिखा है वन मोमेंट वन वन नाइन नहीं है शायद वन सेकेंड हाँ वन ज़ीरो फ़ाइव है वन जीरो फाइव सुने बड़ी फेमस वर्ड है योर वर्ल्ड इज लैम्प टू माई फीट एंड लाइट अनु माई पाथ ये व्यवस्था ये कलाम क्या है लैम्प अन टू माई फीट आपको मालूम ये जो लैम्प होता था जूश लैम्प ऊपर से क्लोज होता था ये लैम्प इतनी रोशनी पैदा करता था कि आप एक कदम कल चल सकें। फिर उस लैम्प को उठा के आगे रखना पड़ता था यह लैंप आपको लाइफ टाइम के लिए रोशनी नहीं दे देगा ये लैंप को रोज जलाना पड़ेगा इसके अंदर रोज जैतून का तेल डालना पड़ेगा तेरा क्या लिखा है योर वर्ल्ड इज लैम्प ये तेरा कलाम चिराग है ये कलाम और क्या लिखा है एंड लाइट अन टू माई पाथ मेरे मार्ग के लिए रोशनी है क्या है रोशनी ये ये लाइट इधर जलती है यहाँ मसीह का कलाम कुलिसियों की पत्री में प्रेरित प्रेत कहता है लेट द वर्ड ऑफ वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट इन यू रिचली बहुतायत से तुम्हारे अंदर कलाम बसे ताकि बड़ी ज्योति की ज्वाला तुम्हारे अंदर जले यह ज्योति है कलाम हाल लुया वो जो अभिषेक का तेल है वो रोशनी को पैदा करता है वो अभिषेक का तेल यीशु मसीह की बॉडी को क्रश किया गया यह है खुदावंद यीशु मसीह की बॉडी इसको क्रश करके तेल निकलता है जो रोशनी देता है आपको मालूम वो पांच कुंवरिया मूर्ख क्यों है क्योंकि उनकी कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल नहीं है अंदर रोशनी नहीं है दूल्हा लेके जाएगा उस दुल्हन को जो धधक रही है ज्योति से जो जलाली है जिसकी धुर दाग धब्बे हट चुके हैं जिसने सफ़ेद वस्त्र मैं बाहर के सफ़ेद कपड़ों की बात नहीं कर रहा बहुत सारे लोग बाहर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो सफेद कपड़े जो पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है रेवल्यूशन की बुक में मैंने आपको उसके ऊपर शिक्षा दी है तो क्या कहता है कलाम कलाम कहता है कि रोशनी है कलाम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती पांच की सोलह में यीशु मसीह कहते हैं लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन तेरी रोशनी मनुष्यों के आगे चमके कैसे वो कामों के द्वारा जो पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे अंदर हो वो फल जो पवित्र आत्मा तेरे द्वारा पैदा करे युना आठ बारह में यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं फिर बाद में यीशु मसीह हमें कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो हा ले लुया जबूर सत्ताइस की पहली आयत में लिखा था लोड इज माई लाइट हाल ले लुआया परमेश्वर मेरी ज्योति है हा लुया और इफ्सियों की पत्री में प्रेत पुलुस कहता है पांच के चौबीस में वेकअप स्लीपर उठ जा सोने वाले मुर्दों में से जाग उठ तो तेरे ऊपर यीशु मसीह का नूर चमकेगा प्रभु आपको मालूम क्या कह रहा है इस गलीसिया को तेरी रोशनी हटा दी जाएगी अगर आपके अंदर से पूरी रोशनी हटा दी गई तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे प्रभु कहता मैं तेरा लैम्प स्टैंड हटा दूंगा अगर तू तौबा नहीं करेगा कितनी बड़ी गलीसिया है प्रेरित पलूस के द्वारा इसका जन्म हुआ अपलूस के द्वारा इसकी नींव डाली गई यहुन्ना जैसा महान प्रभु का दास वहां रहा यीशु मसीह की माता ने वहां वास किया बड़े बड़े जो बड़े बड़े आत्मिक बड़े बड़े कद थे जिनके वो लोग इस कलीसिया में रहते थे तिमथी यहां का पास्टर था और निसीमस यहां का बिशप बना फिर भी कलीसिया को प्रभु कह रहा है अगर रोशनी नहीं तो तू तो किसी काम का नहीं यीशु मसीह कहते हैं तौबा कर ये तौबा एक लाइफस्टाइल है प्रतिदिन का जीवन है क्योंकि पाप की इधर प्रेजेंस है आपको मालूम गॉड हैज नॉट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन बट गॉड प्रोमिस दैट ही विल कीप अस फ्रॉम द पावर ऑफ सिन परमेश्वर ने पाप की हजूरी हटा नहीं दी और हमें पाप पे विजय नहीं कर दिया पाप की हजूरी हटा के परमेश्वर ने पाप की शक्ति के ऊपर विजय पाने के लिए हमें अपने कलाम को दिया है अपने लहू को दिया है पवित्र आत्मा की कुवत को दिया है हम विजय पा सकते हैं अगर हम रोशनी में चले इसलिए युन्ना पहला युना एक के साथ में युना कहता है इफ़ यू वॉक इन द लाइट अगर तू रोशनी में चले जैसे वो रोशनी में है तो उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू तुझे सब पापों से शुद्ध करता है यीशु मसीह का खून काम करना बंद कर देता है जब आपके अंदर रोशनी नहीं है हालेलुया तो आइए भाई और बहनों वो पहला प्यार है रोशनी वो पहला इश्क जब आप प्रभु में आए तो उन दिनों को याद करें इतने बड़े मत बन जाएं इतने अपनी कद को इतना बड़ा मत बना ले कि वो पहले काम करने बंद मुझे मुझे इकतीस साल हो गए सेवा करते पच्चीस साल से पूरी दुनिया में जा रहा हूँ पूरी दुनिया में सौ से ज़्यादा देशों में सेवा की है आज भी सड़कों पे ट्रैक बांटता हूँ झुग्गियों में जाके सो लेता हूँ गांव देहातों में जाके सेवा करता हूं एक व्यक्ति को पांच व्यक्तियों को पांच हजार को पचास हजार को एक लाख को भी प्रचार कर लेता हूं कोई स्टैटस नहीं है स्टैटस कॉन्शियसनेस सेटेनिक है Hallelujah! अपने आप को हलीम करें उसके चरणों में घेरें और प्यार करना सीखें पवित्र आत्मा से कहें मुझे प्यार करना सिखाइए यीशु मसीह से पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए यीशु मसीह से प्यार करना हालि डूब आइए आँखें बंद करें फादर आई प्रे इन नेम जीजस दैट योर पीपल विल लर्न टू लव यू लॉर्ड द फाउंटेन ऑफ लव विल फ्लो इन द ड्राई एरिड एंड फॉट लैंड ऑफ दे हार्ट्स होली स्पिरिट यू विल पोर आउट pour out holy spirit you will come like the former and the latter rain holy spirit you come like torrential rain upon the land of the heart of your people and anoint them lord and take them back where where they began their journey show them the day day they, they fell in love with you lord jesus christ जैसे तुझे इन्होंने प्यार किया उस दिन जब पवित्र आत्मा इनके अंदर आया और तूने पाप क्षमा किए इनके और नया जन्म दिया वही जीवन बल्कि उससे कई हजार गुना आगे बने खुदावर अपने लोगों को भर ऐसी प्रीति से प्रेम से खुदावंद तेरा धन्यवाद हो खुदावंद तेरे नाम की मैं महिमा करता हूँ तू खुदावंद हमारा लुकनिया हमारा मनोरा नहीं हटाएगा क्योंकि हम तुझसे प्रीति करते हैं खुदावंद और तेरे प्रेम में प्रतिदिन हम बढ़ते जाएंगे ये जितने भाई बहन खुदावंद ऑनलाइन है ये सब तुझसे प्रीति में आगे बढ़ते जाएंगे मैं इनमें से एक एक के ऊपर खुदावंद जितने इस समय इनमें से एक एक के ऊपर तेरा खून छिड़कता हूँ तेरा दास होने के नाते मैं खुदावंद इन्हें तेरे लहू से लिखे गए अहद के साथ वाचा के संग बांधता हूँ खुदावंद इब्राहम याकूब के जीवित परमेश्वर हमारे डैडी हमारे पिता हमारे खुदावंद यीशु मसीह के डैडी और पिता यीशु मसीह के खून के द्वारा वाचा की बरकतें अपने लोगों पे खोल दीजिए और ये बरकत है यीशु मसीह से प्यार करना सिखाइए खुदावंद आपका धन्यवाद यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन हालेलुया भाइयों बहनों इस वचन में खो जाइए पवित्र आत्मा से कहिए यीशु मसीह से प्यार करना आपको सिखाए हालेलुया कल सुबह आपसे मिलूंगा अर्ली मॉर्निंग प्लीज़ बी रेडी अर्ली मॉर्निंग कल और वचन पे मलन करेंगे आज मैं ट्रैवल कर रहा था इसलिए सिक्स ओ वो वाली मीटिंग नहीं कर पाए टेन ओ वाली नहीं कर पाए वी विल कंटिन्यू टू लव द लॉर्ड कंटिन्यू टू फॉल इन लव विद द लॉर्ड आइए मिल के आई कीप फम ओवर एन दो ओवर एन ओवर एन दोन द गैन

Give me that old time religion. Even though I don't believe Christianity is religion, but I'm talking about passion the early apostle had, had for the Lord. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. That is good enough for me. That was good for Paul and Silas. That was good for Paul and Silas. That was good for Paul and Silas. That is good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old -time

बहनों आप दीवाने बन जाए उसकी खुदा आपको बरकत दे बहुत बड़ी आशीष आपके जीवन के ऊपर उतरे टुमारो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हम आराधना करेंगे आई जस्ट यू नो आई एम ऑलवेज हंगरी वर्शिपिंग द लॉर्ड आई डोंट केयर अबाउट अदर थिंग्स ऑल अदर थिंग्स आर सो ट्रिवियल फॉर मी आई एम नॉट परसूइंग दोज एजेंडाज आई एम रनिंग आफ्टर हिम आई एम अ गॉड चेजर आई एम अ परसूर ऑफ हिज प्रेजेंस And I pray that you all become pursuers of the presence of the Lord Jesus Christ. Lord bless you and the Lord bless all your loved ones. And keep them under the blood of Yahushua HaMashiach. Amen.